कि जब मामला वायरस का हो तो आलमी इदारे खामोश नहीं बैठ सकते हैं, और भारत के अंदर जिस तरीके से रफ्तार कोरोना ने पकड़ी है उसके बाद आलमी इदारों और आलमी लीडरों ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी के साथ राबता भी किया है और इमदादी साजो सामान भी भेजना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, मुल्क भर में जो कोविड से इस वक्त संगीन सूरत हाल बनती जा रही है, इसी के बीच में वजीर अजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर जो बाइडन की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। मौजूदा सूरत हाल के बीच जो कुछ इस वक्त किया जा सकता है या कोरोना वबा से निपटने के लिए जो तौर तरीके हैं उन पर तफसीली बातचीत हुई है, कई मिनटों तक गुफ्तगू हुई है। वैक्सीन और खाम माल के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान हुई है। एक तरफ जो बाइडन और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की तरफ से इस बातचीत के बाद जब टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई तो ट्वीट भी किया गया, जिसकी जानकारी खुद वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट करके दी। यके बाद दीगर दो अलग अलग ट्वीट में वज़ीर आज़म ने साफ किया कि उन्होंने जो बातचीत की है अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ फोन पर बातचीत हुई और बताया जा रहा कि दोनों लीडरों ने कोरोना से निपटने के तौर तरीकों पर गुफ्तगू की। अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन के खाम माल को हिंदुस्तान भेजने से जहां पर इत्तफाक के राय पहले ही जाहिर की थी, इस मामले पर भी दोबारा दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत हुई है। और दूसरी तरफ जब बातचीत हुई तो वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके लिखा कि दोनों ममालिक में कोरोना वायरस से पैदा हालात पर हमने तफसीली गुफ्तगू की है, मैंने सदर बाइडन को अमरीका के जरिए हिंदुस्तान की मदद के लिए शुक्रिया भी अदा किया है, जिसकी ट्वीट करके वज़ीर आज़म ने खुद जानकारी दी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी सदर के साथ जो बातचीत हुई है इसमें आगे की हिकमत अमली पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन ने भारत को कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए खाम तेल और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई की अहमियत पर जोर दिया है, उसको उजागर किया है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर मजीद इसमें पेशरफ्त ये देखने को मिलेगी। जो मुल्क के अंदर इस वक्त बड़े इदारों की तरफ से खासतौर से सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसके लिए खाम माल खाम तेल या जो दवाओं की सप्लाई है वो मजीद तेज अमरीका की तरफ से की जाएगी, इस बात का यकीन सदर बाइडन की तरफ से दिलाया गया। जहां एक तरफ से अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ कल टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, वहीं पर जापान के वजीर अजम के साथ भी नरेंद्र मोदी की कल मुलाकात हुई है टेलीफोनिक, और कल की टेलीफोनिक मुलाकात के दौरान जो रात देर गए सामने आई है उसमें भी कई अहम बातें जेर बहस लाई गई है। और क्वाड कोविड 19, आपको याद होगा क्वाड की बैठक जब हुई थी तो उसी वक्त क्वाड कोविड के हवाले से भी बात हुई थी कि कोरोना वायरस चल रहा है और क्वाड से मुंसलिक मुल्कों को क्या कुछ हिकमत अमली अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ सकती है और कहेंगे, उसी पर तबादले ख्याल जो है वो कल हुआ है। और इस तरीके से जापान ने कल एक लीड लेते हुए वजीर अजम के साथ बातचीत की है, जिस दौरान कोरोना के फैलाव के बाद मुल्क के अंदर किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, क्वाड मुल्कों की क्या कुछ हिमायत हो सकती है और उसके साथ साथ जो सप्लाई चेन है उसे किस तरीके से मेंटेन रखा जा सके, इस हवाले से जापान ने भी कल अपनी भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया है कि क्वाड मुल्कों के साथ जो मुंसलिक मुल्क हैं वो इस वक्त भारत को इस मुश्किल तरीन वक्त से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से सबसे पहले वो मदद दी गई थी जब किसी ने भी कोरोना के खिलाफ मदद देने से इनकार किया था, तो भारत ने बहुत सारे मुल्कों को जो मुख्तलिफ दवाइयां और मुख्तलिफ चीजें भेजी थी उसी का यह नतीजा है कि अब वापसी पर मुख्तलिफ मुल्क जो है वो लगातार भारत की लीडरशिप के साथ रबते में है। तो यह भी बड़ी बात थी जनाब, कल एक तरफ से अमरीका के सदर के साथ मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, वहीं पर जापान के वजीर अजम के साथ भी कल रात देर गए बातचीत हुई है, यह दूसरी बड़ी खबर जो है वो आ रही है।